हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एओसी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आर्मी ऑर्डिनेंस कोप ने यहाँ पर ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन, एमटीएस, ड्राइवर और भी अन्य पद हैं जिनके लिए 723 वैकेंसीज है। कैसे आप इन पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स एओसी के अंतर्गत ट्रेड्समैन, मेट, फायरमैन, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, मेटीरियल असिस्टेंट, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकेंड, एमटीएस, कारपेंटर एंड जॉइनर, पेंटर एंड डेकोरेटर और सिविल मोटर ड्राइवर के 723 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। ऑल इंडिया से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना कोई आवेदन शुल्क जमा कराए हुए। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इम्पोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्ट का ये पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर गाइज, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए आपको अपना लॉगिन नेम एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके वहाँ से फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट न्यू अकाउंट की टैब दी गई है, इस टैब पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपको टाइटल में मिस्टर या मिसिज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेल है तो मिस्टर सेलेक्ट करें, फीमेल है तो एमएस सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ का आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आप एंटर करें। फिर अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर कैंडिडेट को पासवर्ड क्रिएट करते समय प्रॉब्लम आ रही है, आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, अदरवाइज यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए, वो इस फॉर्मेट में यहां पर आपको क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और इस उसमें सबसे पहले एक डिजिट होनी चाहिए, उसके बाद एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी XYZ अपना पासवर्ड कर सकते हो, उसे 8 कैरेक्टर का कर सकते हो। वही पासवर्ड आपको एक बार फिर से यहां पर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा, इस तरह से यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। अपना पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहां पर ये कैप्चा कोड एंटर करना है, फिर आपको रजिस्टर लॉगिन इस टैब पर क्लिक कर देना है और यहां पर उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है और रजिस्टर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर 2 ओटीपी सबमिट कर दिए गए हैं, वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करने हैं और ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी बटन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है।
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको फॉर्म फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करने के बाद वन बाय वन करके ये सभी चेक बॉक्सेस आपको ओके कर देने हैं, और उसके बाद आपको इस लास्ट वाले चेक बॉक्सेस को ओके करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे, बाकी सब पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप PWBD EX सर्विसमैन या फिर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप यहां से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहां पर आपका ट्रेड्समैन मेरिट की पोस्ट के लिए 10वीं क्लास पास होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका 10th क्लास के सामने का रेडियो बटन आपको ओके मिल जाएगा। अब यहां पर आपको अगर आप 3 ईयर कंटिन्यूस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप ये कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, और अब यहाँ पर आपको आई एग्री इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा कन्फर्मेशन बॉक्स का। अब यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अगर आपके पास कोई फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या फिर तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिसका डोमोसाइल आपके पास है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले हाउस नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज कोरोस्पोंडेंस इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कास्ट और कैटेगरी की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपको एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स इस टैब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10th का रोल नंबर एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर टोटल मार्क्स कितने थे 10th क्लास में जिनमें से आपके मार्क्स आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, और अगर आपका रिजल्ट ग्रेड या फिर CGPA में था तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, अदरवाइज आपको इसे ओके नहीं करना है। फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं, ऑटोमेटिकली आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। गाइज, आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज बोर्ड से, प्लस डिजायरेबल होंगे वो कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट है किसी भी ट्रेड में रिकग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और फायरमैन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट का बस 10वीं क्लास पास होना जरूरी है किसी वेल रिकग्नाइज बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल मैच आउट करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, जैसे कि 12th क्लास या फिर ITI का सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल के अकॉर्डिंग ही से फिल कर सकते हो। फिर आपको अगर कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस की डिटेल फिल कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद अब आपको सेव बटन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल को सेव कर देना है, और फिर आपको अदर डिटेल्स
इस टैब पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर एंटर करना है, कब वो इशू हुआ था वो डेट्स आपको इन कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, अथॉरिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है जिसने वो आपको प्रोवाइड कराया था, फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और लाइफ टाइम नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे, और कब तक वैलिड है वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपका अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पर आपको यस करना है, और फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नेम, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं, और अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं हो रखा है तो आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है, और फिर आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका फोटो और सिग्नेचर 10 से 25 केबी के बीच में होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और टेंथ का सर्टिफिकेट 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने आईडी कार्ड में उसका आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है और टेंथ सर्टिफिकेट का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो अब यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उन्हें यहाँ पर वन बाय वन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट सेव करके फिर आपको डिक्लेरेशन इस टैब पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है आपकी एग्जाम सिटी के लिए, तो यहाँ से आप वन बाय वन करके ये 5 सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीफर्ड लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप जॉब करना चाहते हो यानी कि आप अपनी पोस्टिंग लेना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट कर लेने हैं। 7 चॉइसेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7 रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन दोनों चेकबॉक्सेज को ओके कर देना है, यहाँ पर अपना प्लेस एंटर करना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके आपको प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है, आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, और अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कन्फर्मेशन बॉक्स शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक बार फिर से सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अब यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यहाँ पर सबमिटेड शो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे आप अपना आर्मी ऑर्डिनेंस कोर 723 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।